हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने मोबाइल से आप अपनी ज़मीन का ऑनलाइन जमाबंदी कैसे देख सकते हैं, जिसे पंजी टू रजिस्टर टू भी कहा जाता है। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पर आपको बताते हैं कि अपने मोबाइल से अपनी ज़मीन का जमाबंदी कैसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के गूगल पे टाइप करना पड़ेगा। दोस्तों, गूगल पे टाइप करने के बाद यहाँ लिखना पड़ेगा भूमि जानकारी। तो यहाँ लिख देते हैं भूमि जानकारी, और यहाँ नीचे में लिख करके आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करके आप इस पर क्लिक करना पड़ेगा, और इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा दोस्तों। तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है और भूमि, ये बिहार भूमि पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और दोस्तों कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। थोड़ा वेट करना पड़ेगा दोस्तों, इस तरीके का ये आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे देख सकते हैं आप इस तरीके का आया। यहाँ जमाबंदी पे आप देख सकते हैं, यहाँ जमाबंदी लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम जमाबंदी पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ज़िला सेलेक्ट करना है अपना। तो चलिए हम अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मेरा ज़िला सुपौल है, तो मैं सुपौल सेलेक्ट किया। उसके बाद अपना यहाँ अंचल सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप अपना अंचल जो भी है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना अंचल सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रोसेस पर क्लिक करना है, और उसके बाद जो यहाँ पे मोजा सेलेक्ट करना है, जो भी आपका मोजा है वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जो गांव नाम होता है या मोजा होता है। तो हम अपना मोजा सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना मोजा सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो है यहाँ पे आप इस जो है जमाबंदी नंबर से भी खोज सकते हैं और खाता नंबर से भी खोज सकते हैं, खेसरा नंबर से। चलिए मैं खेसरा नंबर से खोज के दिखा रहा हूँ आपको अपना जमाबंदी। तो यहाँ पर हम अपना खेसरा डालते हैं, तो मैं खेसरा नंबर डालता हूँ यहाँ पे। तो मैंने खेसरा नंबर यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो डाल दिया। अब यहाँ पे जो है नीचे आपको जो इसका ये वर्ड है यहाँ पे ये सेलेक्ट करना है, इसको प्लस कर करके, अगर किसी टाइम माइनस भी आएगा। तो चलिए मैं ये कोड डाल देता हूँ यहाँ पे, तो ये डाल दिया। उसके बाद सर्च पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों नीचे आ गया लिख करके सब जितना जमाबंदी है इस खेसरा से। तो इस पर क्लिक करके हम देख सकते हैं, तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जमाबंदी आपका दिखा रहा है, इसमें कितना खाता खेसरा है सब दिखाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप खाता से भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं खाता से चेक करता हूँ अपना। तो खाता पर क्लिक करते हैं, और खाता पर क्लिक करते ही यहाँ पर आप खाता नंबर डाल सकते हैं। तो चलिए मैं अपना खाता नंबर डालता हूँ। तो खाता नंबर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, और खाता नंबर डालने के बाद जो है फिर से यहाँ पे नीचे कैप्चर कोड डालना पड़ेगा। चलिए मैं कैप्चर कोड डाल देता हूँ, और उसके बाद सर्च पे क्लिक करते हैं। तो सर्च पे क्लिक करते ही यहाँ पे जो है सर्च करने के बाद यहाँ पे जमाबंदी आ चुका है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस पर क्लिक करते हैं और अपना जमाबंदी देखते हैं, जो इस खाता में जितना भी जमाबंदी होगा। एक खाता में बहुत सारा जमाबंदी रहता है, आप देख सकते हैं। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो वेट करने के बाद देखिए आप इस तरीके का जमाबंदी जो है आपका पंजी टू यहाँ पे निकल आया। तो आप जो है यहाँ मोजा का जो है ना समस्त भी सर्च कर सकते हैं, पूरा मोजा में जितना भी आदमी का नाम होगा ये इसमें आ जाएगा। यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे कैप्चर कोड डालना पड़ेगा। चलिए मैं इस पर डाल देता हूँ। तो इस पर जो है कैप्चर कोड डालने के बाद सर्च पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है यहाँ पर सारा जो है पूरा मोजा में जितना आदमी का जो ये रहेगा सब आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा मोजा का जितना भी ये है सब आ चुका है। 500 पे क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको पूरा मोजा में जितना भी आदमी का नाम होगा, जितना आदमी का नाम से जमाबंदी होगा सबका यहाँ पे दिखाएगा। तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसे कोई और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।